वीडियो सो दिस वाज माय शॉर्ट रिवाइंड ऑफ द ईयर 2019 क्या क्या मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए एंड देखते देखते ये 2019 भी एंड होने जा रहा है एंड नेक्स्ट 11 दिन में 2020 आ जाएगा तो मैंने सोचा कि लेट्स डू द रिवाइंड वीडियो क्योंकि काफ़ी ट्रेंड है यूट्यूब में तो मैंने से मैं भी बना लेता हूँ सो स्टार्ट करते हैं लेट्स गो टू फेब में जब मैंने हम लोग उदयपुर गए थे एक्चुअली तो मैंने सोचा कि लेट्स कंटिन्यू मेकिंग द यूट्यूब वीडियोस सो ये चैनल एक्चुअली मैंने 2017 में स्टार्ट किया था बट आफ्टर लाइक 3-4 वीडियोस मैंने बनाना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेंट मैं क्या बनाऊँ मुझे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ बट फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू इट तो फेब में जब हम गए उदयपुर तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया जर्नी एंड आई होप अभी तक मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका आई गेस दिस इज अ 43rd वीडियो एंड देखते देखते बिलीव नहीं हो रहा कि इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ सो ये देखो जब मैंने फेब में बनाना स्टार्ट किया था तो मैं कैसे बात करता था So we just landed from Mumbai. Okay, did you see that? So this was the scene. मैं ऐसे बातें करता था एंड काफ़ी वीडियोस के बाद ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया ना धीरे 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 है सो एक ही चीज़ मैं आपसे बोलूँगा अगर आप भी वीडियोस बना रहे हो जस्ट कीप इट गोइंग बनाते रहो तभी वो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा एंड वो एक वीडियो के बाद नहीं होगा दो वीडियो के बाद नहीं होगा बनाते रहो 5-10-15 वीडियो के बाद आएगा बट वो कभी ना कभी होगा सो दिस इज़ माई होम पेज अभी ऐसा दिखता है सो यू कैन सी यहाँ से मैंने कंटिन्यूसली बनाने स्टार्ट किया उदयपुर से एंड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए तो स्टार्टिंग में एक चीज़ अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले चैनल का नाम कपल ट्यूबर हुआ करता था तो उसके पीछे रीज़न ये कि जब हमने चैनल बनाया था तो मैंने सोचा कि मी एंड माई वाइफ हम लोग दोनों साथ में व्लॉग करेंगे सो हमने नाम सोचा कपल ट्यूबर बट फिर हुआ ही ऐसा कि जब उदयपुर से हमने बनाना स्टार्ट किया तो शी वॉज़ नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग एंड मैं खुद अकेले व्लॉग कर रहा था तो जब भी मैं वीडियोज़ डालता था तो वो जो चैनल का नाम है ना वो थोड़ा मैच नहीं करता था तो मैंने सोचा कि कपल ट्यूबर इज़ नॉट मैचिंग तो उसका नाम चेंज करना चाहिए तो फिर उसके बाद मैंने नाम रखा सुमित गुप्ता कि अपने नाम पर ही रख लिया बट फिर क्या था कि सुमित गुप्ता इज़ वेरी कॉमन नेम एंड यूट्यूब में इतने सारे चैनल कि मुझे खुद का चैनल कभी मिलता नहीं था सर्च करने पर तो फिर वो मैंने आई थिंक एक महीने के अराउंड रखा था एंड उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मेक इट इंडियन कोलंबस वो मैंने फिर 2 दिन रखा बट वो मुझे नाम अच्छा था बट थोड़ा भारी भरकम आई डोंट नो वो मुझे सूट नहीं कर रहा था देन फिर मैंने काफ़ी सोचा फिर मैंने वापस कपल ट्यूबर से कपल हटा दिया एंड उसको कैप्टन ट्यूबर रख लिया एंड उसके बाद ये नाम अभी आई गेस पिछले 6-7 महीने से है और साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी कैप्टन ट्यूबर कर दिया सो दिस इज़ अ नेम अब मेरा चैनल का ये एंड लेट्स गो बैक टू माई यूट्यूब रिवाइंड अभी देखते कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स हम कहाँ कहाँ गए क्या क्या किया ये सारी चीज़ें सो गाइस ये रेस्टोरेंट हमारे होटल के रूफटॉप पर है इट्स सो अमेजिंग दिस सी करने के लिए नहीं है सो काशिद का अपना अलग मज़ा है दापोली का अपना अलग मज़ा है काशिद मुंबई के थोड़ा पास है तो ट्रैवलिंग टाइम इज़ लाइक 4 आवर्स यहाँ तभी बट ऐसा लग रहा है ना कि हम कहीं दूर हैं पर जंगल वाला एरिया बिकॉज एक पूरे वेस्टर्न घाट्स है एंड व्यू तो काफ़ी अच्छा रोड्स भी अच्छा है पूरा खाली है और पीछे कौन है
पीछे आशी है और आशी की मम्मी है। हेलो, अब कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ लवासा। गंगानगर है तो राजस्थान में, बट यहाँ से पंजाब बॉर्डर काफ़ी पास है। एंड एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वी आर इन पंजाब, बिकॉज पंजाब जैसे खेत जैसे मूवीज में दिखते हैं। So, you know, we are all set to go finally to the India-Pakistan border. I'm really very excited because ये मेरा first time हुआ कि I'm going to view the India-Pakistan border. एंड जब हम गंगानगर गए थे, जो आपने देखा, तो जब हम वहाँ से, क्योंकि गंगानगर इज़ वेरी नियर टू द बॉर्डर, हम गए थे हिंदू मालकोट बॉर्डर, वहाँ से पाकिस्तान सामने दिख रहा था। वो जो एक्सपीरियंस था ना, काफ़ी अमेजिंग था। वहाँ पे एक जाके जो अलग फीलिंग आती है। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने रिवर राफ्टिंग किया, हम गए थे ऋषिकेश में कैंपिंग के लिए, एंड दैट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो गाइस, अगर आपने अभी तक राफ्टिंग नहीं किया तो जस्ट गो टू ऋषिकेश, वहाँ पे कैंपिंग करो, राफ्टिंग करो। जो इतना मज़ा आता है, जो क्लीन गंगा है ना, दैट वॉज लाइक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। वहाँ पे हिमालयाज माउंटेन है, वो काफ़ी अमेजिंग था। सो मैं वापस से जाऊँगा ज़रूर, बिकॉज माई इन लॉज हाउस इज़ इन मेरठ, सो वहाँ से हरिद्वार काफ़ी नज़दीक है, लाइक 3-4 घंटे का रास्ता। तो यू नो, आई विल गेट अ चांस अगेन टू गो, बट या दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहा, मुझे आइडियाज़ आते रहे। तो पहले ऐसा होता था कि मेरा प्लान ये था कि लेट्स गो आउट, कहीं बाहर जाते, रोड ट्रिप पे जाते हैं, वीडियोज़ बनाते तो कंटेंट मिलेगा। बट यू नो, ट्रैवलिंग इज़ वेरी कॉस्टली, एंड वो पॉसिबल नहीं कि अब हर वीक जा सको, बिकॉज आई हैव अ फुल टाइम जॉब, तो मैं हर वीक तो ट्रैवल कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ सैटरडे संडेज़ होता था, उसमें मैं वीडियोज़ बनाता था। तो इश्यूज़ ये आते थे कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं वीडियोस क्या बनाऊँ। तो मैंने स्ट्रगल किया, कुछ सोचा अलग हटके करूँ, बट अच्छे कंटेंट नहीं बनते थे। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करते रहा, बट जैसे भी वीडियोस बने मैं डालते रहा, बिकॉज यू नो, मुझे पता था कि मैं वीडियोस बनाते रहूँ, डालते रहूँ, एक ना एक दिन अच्छे वीडियोस बनने लगेंगे। आई होप कि अभी भी मैं उस जर्नी में परफेक्ट नहीं हुआ, सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो या, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि अपग्रेड योर कैमरा सेटअप। तो स्टार्टिंग में मैंने जब इस चैनल स्टार्ट किया था तो मैं आईफोन 6s से शूट करता था। उसके बाद आई बॉट 1+60, तो जब मैं फेब से उदयपुर से शूट कर रहा था, 1+60 से मैंने अराउंड 40 वीडियोस तक शूट किया। उसके बाद मैंने DSLR में अपग्रेड किया, बॉट 10-18mm लेंस। दिस इज़ द राइट टाइम टू अपग्रेड फ्रॉम 1+60 to EOS 700D। मैंने ये लिया ट्राईपोड, जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा अनबॉक्सिंग। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने अपग्रेड किया गियर को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सीखा है। एंड आई थिंक सारे यूट्यूबर्स ये बात बोलते हैं कि कैमरा मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्टोरी कैसे बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे शूट करो, वो सारी चीज़ें मैटर करती। कैमरा सेकेंडरी, आप कोई भी कैमरा से वीडियोज़ बना सकते हो। सो 2019 का गोल ये था कि हर वीक मैं एटलीस्ट एक वीडियो डालूंगा। तो मैंने काफ़ी हद तक डाला, बट बीच में काफ़ी मिस हो गया, बिकॉज कंटेंट की कमी एंड समझ में नहीं रहता बनाऊँ क्या। बट लास्ट 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, हर एक वीक एक वीडियो डाल रहा हूँ। बट अभी रिसेंटली एक मिस हो गया, बिकॉज आई वाज नॉट वेल। बट 2020 का ये गोल है कि और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, और ट्रैवल और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाऊँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, एंड अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैबोरेट करूँ। सो जैसे आज मैं एक यूट्यूबर से मिलने वाला हूँ, कृतिका गोयल, शी इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो इसी तरह और गोल है कि और यूट्यूबर से मिलो। एंड गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस वाज माय रिवाइंड फॉर 2019, एंड आई होप कि 2020 में और अच्छा होगा, मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँगा। सो चलो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज कैप्टन ट्यूबर, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड जस्ट अगर आप मुझे फॉलो करें, DM मी, लेट्स चैट, कुछ आइडियाज दो क्या कॉन्टेंट बनाओ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ।